इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें पूरे अधिक के महीने में, पूरे अधिक के महीने में, पूरा मल का महीना इसका पाठ करना है आपको। जिनके घर में धन की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समस्या का समाधान इस मंत्र से हो सकता है अगर विधि विधान से आप इसका पालन करें। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मल के महीना अधिक मास प्रारंभ हो उससे पहले पहले ये वीडियो आप सुन लीजिए। अधिक महीने में आप लोग जानते हैं कि 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक एक विशेष आयोजन होने जा रहा है श्रीधाम वृंदावन प्रिया कांजू के मंदिर में, जिसमें 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, यज्ञ होगा, आदि आदि प्रसंग होंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा और शिव महापुराण की कथा भी होगी। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप सबसे पहला जो भाग्यवान पुरुष होंगे वो यहाँ पहुंचेंगे। अगर कोई समस्या है, आप नहीं पहुंच सकते, तो वहीं बैठे बैठे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएं और वहीं से एवरीडे वेद मंत्रों का उच्चारण, अभिषेक, रुद्राभिषेक जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहां पर किया जाएगा, उसे अपने घर में अवश्य उन वेद मंत्रों को श्रवण करें। तो आइए मैं अपने आपको काम की, जो आप अपने द्वारा कुबेर के इस मंत्र का जाप, तो पूजन कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, तो पहले गणेश जी का पूजन कर लें, फिर शिव जी का पूजन कर लें और एक लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हों, देवी माँ हों या राम जी हों या कृष्ण जी हों, उनका स्मरण करें। याद रखें, अपने गुरु को स्मरण किए बिना न भूलें, उनको वंदन किए बिना न भूलें। उनको आप वंदन नहीं करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। रीजन, गुरु के द्वारा ही मंत्र सिद्ध होता है, गुरु की कृपा से ही मंत्र सिद्ध होता है। हम लोग कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं और उसे जाप करना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो पहले गुरु को नमन करें और गुरु को नमन करके ये जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को एवरीडे कम से कम 11 माला आपको करनी है। बहुत छोटा मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरय पूरय नमः। मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, आप बड़े ध्यान से इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरय पूरय नमः। इस मंत्र की 11 माला एवरी डे अधिक मास में आप इसका जाप करें। अच्छा होगा आप किसी ब्राह्मण के द्वारा इसका जाप कराएं। अगर वो संभव नहीं है तो आप स्वयं इसका जाप करें, लेकिन क्रम वही होगा, पहले गणेश जी पूजन, फिर शिव जी का पूजन, फिर अपने किसी इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हो उनका पूजन, हमारे प्रिया कांजू का पूजन, अपने गुरु का स्मरण, उनका वंदन, उसके बाद ये माला करें, घी का दीपक जलाएं, प्रिया कांजू को याद करें, कुबेर का पूजन करें, कुबेर को स्मरण करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ लक्ष्मी का मंत्र। तो